हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड सरकार की तरफ से निकाल के आई एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका डिटेल जानने के लिए वीडियो को तो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल में देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा एक सेकंड चैनल है जो टेक्नो फॉर यू नाम है जिसका, जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, डेली अपलोड होते रहते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल घंटे को दबा सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देता होगा दोस्तों, यहाँ पे गूगल क्रोम पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं सिमडेगा लिखता हूँ, क्योंकि ये जो सिमडेगा की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है, तो सिमडेगा का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं। तो सिमडेगा में सर्च किया गूगल पे, देखिए पहला वाला लिंक आ जाता है सिमडेगा डॉट एन आई सी डॉट इन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसका होम पेज पे चले जाऊंगा। ये रहा उसका होम पेज। यहाँ पे आने के बाद हम लोग उसका नोटिस पे चलेंगे, उसके अंदर में रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से निकल के आ जाता है इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला वाला एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। देखिए इसी पे हम लोगों को डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है, 1 MB का दिया गया है। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दिया गया है, एंड डेट मतलब यही इसका लास्ट डेट भी रहेगा। मैं इसको डाउनलोड करके आप लोगों को डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिमडेगा के तरफ से जो निकल के आई है, टेबल बहुत बड़ा बना हुआ है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए क्रमांक संख्या दिया गया है, फिर पोस्ट का कोड दिया गया है, पद का नाम दिया गया है, ये रहा उसका कोड। उसका कोड के बाद यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसके लिए एक है, एक ही संख्या में पोस्ट है। 35 से 45 तक इसका वर्ष होनी चाहिए तब वो इसको भर सकते हैं। जिसके सैलरी रेंज मासिक दिया गया है 33,250 प्रति माह रहेगा। शैक्षणिक योग्यता उसके बाद दिया गया है, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, विधि, समाज, समाजशास्त्र, इसके आधार से आप लोगों का स्नातक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का ये नीचे में जो दिया गया है, देखिए MBA वगैरह ये सब भी अगर किए हैं तब भी इसको भर सकते हैं। 8वां नंबर पॉइंट में जो दिया गया है, देखिए आप लोगों का एक्सपीरियंस से रिलेटेड दिया गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ दिया गया है, जिस क्षेत्र के लिए आप लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं उसी क्षेत्र में। इसी तरह से बहुत सारे वैकेंसी की आए हैं, देखिए दूसरा नंबर में दिया गया है, तीसरा नंबर में दिया गया है, चौथा, पांचवा, इस तरह से बहुत सारे दिए गए हैं। दूसरा नंबर में जैसे दिया गया है, देखिए बल कल्याण समिति की तरफ से दिया गया है, उसके बाद तीसरा नंबर किशोर अन्य बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तो सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अलग अलग से यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है और एक्सपीरियंस के साथ भी दिया गया है। लास्ट वाला जैसे मैंने बताया है किशोर न्याय बोर्ड की तरफ से जो दिया गया है, सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 9,000 सैलरी दी गई है। यहाँ पे आप लोगों का स्नातक मांगा गया है, उसके बाद कंप्यूटर दक्षता के साथ आप लोगों के टंकन वगैरह हिंदी अंग्रेजी ये सब आनी चाहिए। नीचे में आप लोगों का रूल्स दिए गए हैं, आवेदन करने के जो लिए जो रूल रहेगा वो क्या है। देखिए आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि रहेगी 5/8/2019, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप लोग इसको भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस ये दिया गया है, देखिए कल्याण कार्यालय सिमडेगा संग्रहालय परिसर सिमडेगा, पिन कोड के साथ में दिया गया है। तो 5 तारीख से पहले वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए ये चीज, ये सब मेंशन किया गया है। नियम आप लोगों का क्या रहेगा, देखिए 1/8/2018 के अनुसार आप लोगों का रहेगा उम्र सीमा, इस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी। ये जो डेट दिया गया है इसी डेट के आधार से अदर से आप लोगों को कैलकुलेशन करके देना होगा। तो ये सब नियम आप लोग देख लीजिएगा जितने भी दिए गए हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, जिसको आप लोग प्रिंट आउट करके भर के अपना डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना पड़ेगा सिमडेगा का एड्रेस में दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है टेक्नो फॉर यू, जरूर से जरूर उसमें भी जाएं, चैनल पे वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत ही मजे आने वाला है, इसमें बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें दोस्तों। थैंक यू।